गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपके सेकंड चैप्टर जो हिंदी में मैंने संगति का प्रभाव पढ़ाया था कल, आई होप आप लोगों ने इसको रीडिंग किया होगा, वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है। जिसमें दो तोतों की स्टोरी थी कि दो तोते थे, एक साधु के साथ रहता था और एक डाकू के साथ रहता था। जो साधु के साथ रहता था वो साधु वाली बातें सीखता था, अच्छी बातें, और जो डाकू के साथ रहता था वो डाकू की तरह ही बुरी बातें सीखता था, ठीक है। तो आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग समझाती हूँ। इसके वर्ड मीनिंग में पहला है मूल्य। मूल्य का क्या अर्थ है बच्चों? कीमत। क्या अर्थ होता है? कीमत। ग्राहक का अर्थ होता है खरीदार, जो खरीदने जाता है दुकान पर कोई सामान। धनी का अर्थ होता है अमीर। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न। आज्ञा का अर्थ होता है इजाजत। कृपा का अर्थ होता है मेहरबानी। ओके, अब ये प्रश्न है, बहेलिए ने दोनों तोतों का क्या मूल्य बताया? जो बहेलिया था यानी कि जो खरीदार था, वो था शिकारी था, उसने दोनों तोते का क्या मूल्य बताया था? तो बहेलिए ने एक का मूल्य 100 रुपये और दूसरे तोते का मूल्य 10 रुपये बताया था, ठीक है। उसके बाद है, तोतों को किसने खरीदा? तो तोतों को एक धनी व्यक्ति ने खरीदा। धनी व्यक्ति को देखकर 100 रुपये वाला तोता क्या बोला? तो धनी व्यक्ति को देखकर 100 रुपये वाला तोता बोला, आइए महाशय, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने धनी व्यक्ति से क्या कहा? तो दूसरे तोते ने धनी व्यक्ति से कहा, अरे इसे मारो, लूट लो इसे, ठीक है। जो दूसरा तोता था उसने धनी व्यक्ति से क्या कहा? क्योंकि वो डाकू के साथ रहता था, तो डाकू वाली बातें ही वो उससे बोलता था। तो उसने क्या कहा था? अरे इसे मारो और इसे लूट लो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। ओके, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, किसने कहा और किससे कहा? जब दोनों तोते देखने में एक जैसे थे तो इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों? ये किसने कहा था? ग्राहकों ने किससे कहा था? बहेलिए से। इन दोनों को साथ ले जाइए तभी अंतर मालूम हो सकेगा। बहेलिए ने फिर ये बोला, ये किसने बोला था कि इन दोनों को साथ ले जाइए तभी दोनों में अंतर पता चलेगा? बहेलिए ने ग्राहकों से। आइए महाशय, आपका स्वागत है, आपका दिन शुभ हो। ये किसने कहा था? 100 रुपये वाले तोते ने धनी व्यक्ति से। अरे इसे मारो लूट लो, ये किसने कहा था? 10 रुपये वाले तोते ने धनी व्यक्ति से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग इसको, इसके जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे यानी कि कॉपी में करेंगे, और जो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आप लोग उसको बुक में ही नोट करेंगे, ओके। और फिर स्कूल में आप लोग 10:30 बजे से पहले बुक